जी हाँ, पबजी आप अपने मोबाइल से यूट्यूब अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट पे एंड इवन ट्विच पे कैसे स्ट्रीम कर सकते हैं, आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा एक ऑसम ऐप जिससे आप ये सारी चीजें बखूबी डायरेक्टली अपने मोबाइल से कर पाएंगे एंड गेम प्ले सीमलेस होगा और स्ट्रीमिंग उससे भी ज्यादा सीमलेस। तो चलिए दोस्तों पता लगाते हैं, शुरू करते हैं हम गेम्स की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी गेमिंग के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऐप के नाम से। ऐप का नाम है ऑमलेट आर्केड, घबराइए मत, कंप्लीटली वेजिटेरियन और फ्री ऐप है, तो आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे उसके लिंक। जब आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो इसमें आप रजिस्टर करोगे तो थोड़े बहुत परमिशंस देने पड़ेंगे। देखो माइक्रोफोन है, कैमरा हो गया, बिकॉज आप जब स्ट्रीम करोगे तो आपको कैमरा, माइक्रोफोन, ये सारी चीज़ों की परमिशन चाहिए। इसके साथ साथ आपको ड्रॉ ओवर अदर ऐप्स की परमिशन भी देनी पड़ेगी जिससे आप इसको प्ले एंड पॉज कर दो। तो ये सारी परमिशन जब आप दे दोगे तब आपको इसमें अकाउंट भी क्रिएट करना है एंड जिसका होम स्क्रीन है वहाँ पे आपको सारे के सारे स्ट्रीम्स दिख जाएंगे, बिकॉज इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपने स्ट्रीम कर सकते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों आप फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो एंड जितने भी दूसरे स्ट्रीमर्स हैं आप उनके जितने भी वीडियोस हैं, पबजी या फिर एनी अदर गेम, कोई भी गेम आप यहाँ पे स्ट्रीम कर पाओगे। तो ऊपर दोस्तों आपको ऐप के अंदर एक बटन दिख जाएगा जिसका नाम है गो लाइव एंड इससे क्या होगा कि ये ऐप आपको दिखा देगा कि भाई ये सारे गेम तुम्हारे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, इसमें से कौन सा तुम स्ट्रीम करना चाहते हो। ये एक फन फैक्ट है कि ये जब स्ट्रीम करेगा ना, ये सिर्फ उस गेम का स्ट्रीम लेकर के जाएगा। अगर आप इस बात को समझिए कि ये स्क्रीन कास्ट नहीं कर रहा है, तो अगर आपके कोई मैसेजेस आ रहे हैं, थोड़े बहुत और दो तीन नोटिफिकेशन भी अगर आपके स्क्रीन पे आएंगे तो वो सारी चीज़ें स्ट्रीम के बीच में नहीं जाएंगी, ये सिर्फ गेम को ही स्ट्रीम कर रहा है एंड देखा जाए तो ये एक बहुत ही खास बात है। इसके साथ साथ आप जब इसमें अपना अकाउंट कॉन्फ़िगर कर लोगे, गो लाइव करना है इसमें, आप फेसबुक कर सकते हो अगर आपके यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग अवेलेबल नहीं है, ट्विच में कर सकते हो एंड फाइनली इसमें आप अपना जैसे नाम है उसको भी एकदम मस्त वाली तरीके से लिख सकते हो, एक स्टैम्प बना सकते हो। अगर आपको माइक्रोफोन चाहिए, कैमरा चाहिए, सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको इसमें स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले दिख जाएंगे एंड जब फाइनली एकदम सब कुछ डन है तब आप कर दीजिए स्ट्रीम को स्टार्ट। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, मतलब आपके इंटरनेट स्पीड के हिसाब से होगा कि भाई थोड़ा कम टाइम लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड उसके बाद जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं इस लाइव स्ट्रीम को देख पाएंगे। अगर आपका माइक्रोफोन एक्सेस है तो आप उनसे बात बात कर सकते हो, आप कमेंट्री दे सकते हो एंड सुपर कूल लगता है यार। मतलब मैं खुद बहुत सारे पबजी के लाइव स्ट्रीम्स देखता हूँ, वो तो कंप्यूटर से करते हैं बट इनफैक्ट अब आप ये सारी चीज़ अपने मोबाइल से कर सकते हो, ये है कमाल की बात। तो बस दोस्तों यही था, इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो फ्री में जैसा मैंने ऑलरेडी बताया। किसी किसी डिवाइसेस में शायद ये थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे पाई अपडेट के बाद थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन इश्यूज आ सकते हैं, बट ऑफकोर्स ये ऐप बहुत मस्त तरीके से अपडेट होता है, इसके सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो थोड़े दिन आप वेट कर लीजिए। अगर आपके फ़ोन में नहीं चलता है तो प्लीज़ कमेंट में उस फ़ोन का नाम और अपना एंड्रॉयड वर्जन ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरों को पता चल जाए कि यार थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर आप इस ऐप को बहुत ही पहले से यूज़ कर रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइए कि इसके बारे में आपके ख्याल क्या हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।